Good evening, everyone. Namas Pradam Pradam. <coughs> <coughs> Let me read. Moment. आप लोगों ने जो लिखा है बहुत ही अच्छा आंसर लिखा है एटलीस्ट ये तो हो गया है कि जो पता चल गया आप लोगों लिखना कैसे है एवरी वन ये चल गया है और जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा बेहतर होंगे ठीक है तो आप लोग का परफॉर्मेंस देख के मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है ठीक है लेकिन छोटा मोटा जो भी कमेंट है मैं एक बार देने कोशिश करता हूं ठीक है जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट अभी मैं पढ़ रहा हूं ये आकृति का है देखो इसने फाइव पी यूज किया है दैट्स गुड सेकेंड क्वेश्चन है उसको और अच्छे से लिख सकते थे विल टॉक अबाउट इट ठीक है सेकेंड क्वेश्चन को और अच्छे से लिख सकते थे आप अभी आज बात करेंगे गुड गुड वेरी गुड किसका है? धर्मजीत बेटा एक चीज ध्यान रखो तुम अंडरलाइन कुछ भी नहीं है तुम्हारा इन जनरल ठीक है तो छोटा मोटा जो जहां पे लिखे हो ना जैसे स्वच्छ भारत अभियान लिखा है वो अंडरलाइन कर देना ठीक है अच्छा लगेगा और डायग्राम थोड़ा नीट एंड क्लीन बनाओ क्लीन डायग्राम नीडेड ठीक है डायग्राम क्लीन मांगता है और बहुत अच्छे से आपने पर्सनल प्रोफेशनल दोनों को बायफरकेट करके एक जगह लिखा है वेरी गुड अभी मैं सूरज का पढ़ रहा हूं सबका पढ़ूंगा वेट करो पेशेंटली मतलब पढ़ तो लिया था मैंने वो मैं कुछ कुछ चीज उसमें मुझे बताना जो है एक जगह भी अंडरलाइन नहीं है ठीक है अंडरलाइन करो बहुत अंडरलाइन नहीं होना चाहिए लेकिन जो बेचने वाला चीज उसको अपन अंडरलाइन करेंगे कर, कर लो कर लो क्लास अटेंड कोई दिक्कत नहीं है दिव्या नो प्रॉब्लम बेटा हम्म ठीक है वो धर्म ध्यान रखना ये किसका है दिवानी का पढ़ रहा हूँ मैं थोड़ा बोरा ही बता रहा हूँ क्योंकि लिखा है आप लोगों ने सबस्टेंटिव अच्छा है वो आपने एग्जाम्पल लिखा है अजीत डोवाल का ठीक है कौन सा केस बताना पड़ेगा ना किस सिचुएशन उसने ऐसा किया किस सिचुएशन में ऐसा किया आपने वो उन्होंने इस तरह का एक्ट किया वो बताना पड़ेगा मिलीटेंशन ये वो विदाउट नेमिंग दैट लगेगा कि हाइपोथेटिकल आपने बना दिया है ठीक है तो आपको वो चीज का ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है आप एक एग्जाम्पल लिख सकते थे परसुएशन का एग्जाम्पल जैसे इसने लिखा है शिवानी ने तो इसलिए मुझे याद हो गया याद आ गया अजीत डोवाल का ठीक है अजीत डोवाल ने परसुएशन अच्छा खासा यूज किया जब कोविड का टाइम था और मुस्लिम कम्युनिटी जो है मेरा दिमाग आजकल थोड़ा कम चल रहा है ठीक है <laughs> भूल गए मैं तबलीकी 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 जमात तबलीकी जमात वाला जब केस हुआ था कोविड के टाइम में याद होगा आप लोगों ने देखा होगा पूरा एकदम कंडेम सब लोगों ने कर दिया कि मुसलमान फैला रहे हैं और टीवी वाले तो है ही हिंदू मुस्लिम वाले पूरा बता दिया ये कर दिया वो कर दिया फलाना ढकाना जो भी था ठीक है तो वो बाद में पता चला बकवास बात है लेकिन हमारे मुसलमान भाई बहन को उन लोगों ने मेलाइन कर दिया टीवी वाले ने ठीक है लेकिन उस टाइम में कुछ आइडिया नहीं था कोविड का क्या है मामला तो बहुत बड़ा बात लग रहा था क्योंकि बहुत लोग वहां जमा थे तो अजीत डोवाल इंटरवीन और वहां के जो भी मौलवी जो भी मतलब क्लर्जी थे उनको कन्विंस किया ना कि जो भी क्राउड है उसको डिसिपेट करने के लिए और गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए ठीक है ये एग्जाम्पल रख लीजिए लिख लो लिख लो एंड थैंक्स टू शिवानी जो उसने वो लिखा तो मेरे को याद आया लेकिन ये किस कॉन्टेक्स्ट में लड़की लिखी है यहां पे वो मेरे को पता नहीं चल रहा है ठीक है तो सिविल सर्वेंट मतलब ये मत समझिए ना कि सिर्फ आईएएस ऑफिसर आईएएस आईपीएस या कोई भी इस तरह के हैं सब हैं ऑल ठीक है चलो थोड़ा थोड़ा मैं सिर्फ बता रहा हूं क्योंकि हा ये किसका है रुक हम्म हम्म ठीक है किसका है ये हम्म आशीष यू रोट नाइसली अच्छा लिखा है और एक चीज़ और है कि अच्छा डायग्राम बनाया है बढ़िया डायग्राम है ठीक है एक दो जगह जो कुछ चीज़ चाहिए वो एक ही साथ मिक्स कर दिया है वो मिक्सेशन मुझे पता है मैक्सिमम लड़के वही मिक्स किए हैं वो दिक्कत किए हैं सभी बच्चे ने लगभग लोगों वो प्रॉब्लम किया कुछ 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 छोड़ के तो वो वाला मैं आपका आज फिक्स कराऊंगा आपको बताऊंगा आज ये किसका है है रुक जाओ देखते हैं हाँ। खतरनाक डायग्राम नहीं बनाने का देख के डर जाए आदमी ठीक है आप जैसे ही लिखते हैं ना जैसे आपने सोर्स मैसेज टारगेट लिखा है वो डायग्राम बनाया तो ड्रॉ दैट डायग्राम ठीक है एंड जस्ट डेडिकेट वन पैराग्राफ टू एक्सप्लेन व्यू मीन बायर्स व्यू मीन मैसेज और दो सोर्ट ऑफ थिंग ओके सिर्फ डायग्राम से आंसर नहीं लिखना है ठीक है सिर्फ डायग्राम से आंसर नहीं लिखना है सिर्फ डायग्राम से आंसर उसी वक्त लिखिएगा ध्यान रखिए एक जगह लिख सकते हैं आप लोग अभी भी मैं बता दू समाइम्स रियल लाइफ सिचुएशन में एग्जाम का सिचुएशन में हमारे साथ होता क्या है एक प्रॉब्लम कि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम एकदम समय ही नहीं है ठीक है ठीक है बिल्कुल समय नहीं है तो हम क्या करेंगे तो हम डायग्राम का यूज करके आंसर लिख सकते हैं ठीक है विथ सम फ्यू इंट्रोडक्शन थोड़ा कंक्लूजन मैक्सिमम डायग्राम्स करके लिख सकते हैं जब हमारे पास एकदम समय ना हो क्वेश्चन छोड़ने का है नहीं क्वेश्चन छोड़ना तो क्राइम है जान लीजिए ठीक है तब आप यूज कर सकते हैं व्हेन यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम एंड इफ यू हैव टाइम डायग्राम से पूरा आंसर नहीं डायग्राम क्या है डायग्राम देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड एक साइकोलॉजी समझो समझो ये चीज को दो तीन चीज समझ लोगे ना तो आपको लाइफ में काम देगा व्हाई डू वी ड्रॉ डायग्राम हम मान लो हम लिख रहे हैं कि तालिबान हैज कैप्चर्ड एंटायर ये क्या नाम है अफगानिस्तान एंड वी uh, हैव ठीक है सिक्योरिटी थ्रेट ठीक है पर्टिकुलरली रिलेटेड टू जोग्राफी अगर हम ऐसा लिखते हैं तो कैसे पता चलेगा ये ये वर्ड लिख तो दिया लेकिन कैसे पता चलेगा आपको लगे यार क्या बकवास वर्ड है पाकिस्तान है उसके बाद अफगानिस्तान है फिर बीच में समंदर है कैसे आएगा बंदूक लेके ठीक है तो कैसे आएगा तो यहाँ पे आपने डायग्राम ड्रॉ कर दिया कि भैया कैसे आएगा कि वहां से हम लोग तापी पाइपलाइन के बारे में सोच रहे हैं हमारा वहां पे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है उसके बारे में सोच रहे हैं ठीक है और भी दस तरह की चीज सोच रहे हैं आ, इधर जो ज्यादा बढ़ गया तो ये जो ये एरिया जो है मतलब क्या कहते हैं तुमको आ, ये बलूचिस्तान वाला जो एरिया है मान लो इसको ये तो कंट्री अफगानिस्तान बलूचिस्तान वाला एरिया है हो सकता है वहां पे जो पाकिस्तान यूज करे किसका इस इस मिलिटेंट लोग का, जगह पे तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो वो जो सेम चीज जो लिखा है वो और बेहतर हो जाता है और बेहतर हो जाता है और एक्सप्लेन हो जाता है उतना अंग्रेजी नहीं लिखना पड़ता अपने को ठीक है to वी लिए है

किसी भी इस तरह का नॉर्मल ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट अदर देन ज्योग्राफी इट डेमोन्स्ट्रेट दैट यू अंडरस्टैंड इट वेरी नाइसली वो हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है तो आपके लिए इज्जत बढ़ जाएगा लेकिन सिर्फ उससे बिल्कुल नहीं करना है ऑल राइट right? चलो एंगड़ वाला आशीष एंगड़ वाला एक साथ भेजा कीजिए नहीं तो दिक्कत हो जाता है ये किसका है ये रुक जाओ वैष्णवी का है देखो बेटा डायग्राम थोड़ा ठीक से ड्रॉ करो ना थोड़ा इज्जत दो डायग्राम को जो फ्लॉन्ट करने वाला चीज है हम अपने आप को फ्लॉन्ट करना चाहते हैं और हम फ्लॉन्ट जहां करना चाहते पैसे हैं वहीं पे ऐसे कैसे चलेगा मेक इट बेटर लुक्स इट शुड लुक गुड ऐसे नहीं कि हाँ कर दिया ना अच्छा से थोड़ा गोल वोल कर दो थोड़ा सा बढ़िया बना दो फाइव पी यूज किया इसने वेरी गुड अच्छी बात है अच्छा आंसर है ठीक है लेकिन एक जगह अंडरलाइन नहीं किए हाँ किए हो कहीं कहीं पे लेकिन थोड़ा करो कोविड वोविड वाला नीचे जो सेकंड पेज है उसमें अंडरलाइन ही नहीं किए हो अशोक 14 फोर्टीन अवार्ड वो सही है लेकिन उससे ज्यादा अच्छा एग्जांपल मिल जाए तो बढ़िया है ठीक है आपका है ठीक है सोनू का है ये आंसर जिसके बारे में बोल रहा था <coughs> सबने ठीक लिखा है यार मैंने जब मुझे को अच्छा लगा लगभग पहले ही देख लिया था लेकिन वो मैं अभी कुछ कुछ जो इश्यूज है वो मैं बता रहा हूँ ठीक है ये भी फाइव पी यूज़ कर लिया है थ्री पी यूज़ किया इनफैक्ट आदित्य का ये अच्छा है तेरा हैंड राइटिंग भी सुधरा है और थोड़ा सा कुछ कुछ इधर उधर करके लिखते हो उसको थोड़ा कम करो तो और अच्छा है गरिमा का है ये बहुत अच्छा है, इसने एग्जाम्पल यूज किया गरिमा ने तुम लोग भी देख लेना कि मानिक सो का एग्जाम्पल क्या हाउ मानिक सो परसुएडेड इंदिरा गांधी वेरी गुड एग्जाम्पल दूसरे का चोरी कर सकते हो तुम लोग ठीक है अपना ही भाईचारा है ज्यादा लोग नहीं है ना अपन पच्चीस स्टूडेंट हैं तो पच्चीस अपने आप में चोरी करोगे ठीक तो है दो हजार पांच सौ तो मैं नहीं बोलता <coughs> गुड सेकेंड वाला क्वेश्चन में ना मतलब एग्जाम्पल तो ठीक है लेकिन वेदर इट इज एंगर एंगर से कहां से निकला है वो केपीएस का दिया अपने स्ट्रोस खान का दिया एंगर नहीं है स्ट्रोस खान ने क्या किया रेप किया रेप क्या है इट इज नॉट आउट ऑफ एंगर एज सच वो इट इज पैशन वो मतलब देर आर थिंग्स दैट यू कैनोट कर्नल यू डिजायर वो टाइप का हो गया डीपीएस सॉरी डीजीपी के पी गिल का है उसका भी वही चीज है ठीक है वो एग्जाम्पल फिट नहीं बैठ रहा है और आंसर का फ्लो बहुत अच्छा है ओके okay? और जो ये है ना कंट्रोल में एंगर तो रैशनल थिंकिंग एवरीवन वन नोज हाउ टू कंट्रोल इट मतलब देयर हैज टू बी ए मैकेनिज्म दैट यू गोट टू राइट ओके orgis igaühe nagu pole . muud ka ei jää . वेल ऑफ इग्नोरेंस वर्ड यूज नहीं करना है रेमपेंटली ठीक है इग्नोरेंस शब्द यूज कीजिए द मोमेंट यू राइट वेल ऑफ इग्नोरेंस ना दिमाग लोग का ना जॉनड रोल्स पे चला जाता है जॉनड्रोल्स पे अगर दिमाग जाएगा तो हो सकता है कि उसको इंटरप्रीट या वो आगे पीछे कर ले तो इग्नोरेंस इज फाइन वी डोन्ट नीड टू मेक इट फैंसी वी नीड टू बी अप्रोप्रिएट महाभारत वाला एग्जाम्पल जो करने वाला दिया नॉट आउट ऑफ एंगर वो एंगर से नहीं हेटरेट से था ठीक है एंगर क्या होता है समझो एंगर जो होता है ना उसका ना ड्यूरेशन बहुत नहीं रहता है यू कांट बी एंग्री ऑल द टाइम ठीक है एंग्री आप ऑल द टाइम नहीं रह सकते हो आपका एक टाइम फ्रेम रहता है कि इतना से इतना देर में एंगड़ी रहा उसके बाद ये पीक पे पहुंचता है एंड देन डिसिपेट हो जाता है फिर कुछ हुआ हो सकता है दोबारा फिर एंगड़ी हो जाए लेकिन ये कॉन्टिन्यूटी में एंगर नहीं रहता है समझो तो ऐसा इंप्रेशन नहीं देना है ना कि भाई एंगर ही इतना लंबा मतलब आई एम एंग्री एट यू लाइक पांच साल के लिए इज इट पॉसिबल कभी नहीं समझ गए ट्राई टू ड्रॉ वन डायग्राम मेरा अपना सलाह है कि एक उसमें आंसर में एक डायग्राम कहीं कहीं ड्रॉ कर सकते हो दो तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एक ही ड्रॉ करो तो अच्छा है एक और चीज तुमने लिखा है देखो मोहित हर जगह नीचे ना नीचे वाला जो डायग्राम वहां पे लिखा है पी एस सी एस सी एस लिखे हो हम समझ रहे हैं सिविल सर्वेंट के बारे में बात कर रहे हो लेकिन मत करो ऐसा जब तक कि ऊपर रेफरेंस ना दो मैं ऊपर देख रहा हूं तो जहां पे तुमने फर्स्ट टाइम पीएस सिविल सर्विसेस का यूज किया है टर्म को वहां पर ब्रैकेट में सीएस नहीं लिखा जब तुमने सी एस लिखा ही नहीं वहां पे तो नीचे तुम अगर सी एस लिखते हो तो यूज नहीं कर सकते हो वो गलत यूज हो जाएगा ठीक है इस चीज का ध्यान रखना छोटा छोटा चीज है लेकिन मायने रखता है वो विक्रम का है उसने डीएम राहुल कुमार का एग्जाम्पल दिया बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अंडरलाइन करो बेटा और थोड़ा एक पैराग्राफ से दूसरा पैराग्राफ जब जंप करते हो तो बीच में थोड़ा गैप रखो हाँ क्यों कंजूसी करना है हमको जब देखता हूं तो मुझे लग ही नहीं पता ही नहीं चल रहा कि यहां पे क्या है पे पैराग्राफ ब्रेक हो रहा है लग रहा है एक पेज का ही एक पैराग्राफ है छोटा करो मतलब दिखना चाहिए है यहाँ पे पैराग्राफ में गौर से जब देख रहा हूं पैराग्राफ है लेकिन पैराग्राफ दिखना भी चाहिए कि पैराग्राफ है इस फोटो में दिख नहीं रहा पैराग्राफ है कंटेंट ठीक है आशीष परसुएशन वाला भी आंसर अच्छा है हैंडराइटिंग थोड़ा सा अगर ठीक हो पाए तो और अच्छा है पढ़ पर तो पढ़ने में ठीक है दिक्कत नहीं है थोड़ा और बेहतर हो जाए तो अच्छी बात है मैं ज्यादा डिजायर नहीं करता और ये किसका है भाई ममता बेटा एक चीज बताओ क्यों दुश्मनी है तुमको डायग्राम इतना अच्छा है तुमने ब, ब, बनाया है तो उसको और थोड़ा सा बनाने का ना अच्छे से तुमने लग रहा है एहसान कर दिया डायग्राम इतना डायग्राम में मीनिंगफुल चीज लिखा है लेकिन जो है थोड़ा उसी को गोल कर देते चारों तरफ खींच देते वैसे कर देते तो ज्यादा बेहतर होता समझ रहे हो नहीं ठीक है आंसर ठीक है आंसर ठीक है आपने वो टेक्निक यूज किया ना इट्स गुड बहुत बढ़िया सुहानी बहुत बढ़िया बेटा बहुत ठीक लिखा है पीपीपी यूज कर लिया तुमने एंगर वाला भी अच्छा है आंसर और अच्छा हो सकता था ठीक <coughs> है लास्ट आंसर एक तो बहुत अच्छा आंसर है जागृति पहला वाला दूसरा वाला देखता हूं रुक जाओ बस सही है डर लगता था ना तेरे को आंसर लिखने में अब लिख पा रही है ना देखा इसका आंसर कंप्लीट आंसर है ठीक लो, अच्छा है लोग अच्छा लिखिए ठीक है तो एक चीज ओवरऑल मेरे को बहुत खुशी है कि तेरे लोग को आ गया आंसर लिखना आ गया दैट्स द पार्ट बेस्ट पार्ट वही मैं चाहता हूं ठीक है वही मैं चाहता हूं इसीलिए मैंने सोचा ना कि चलो मैं पहले आप लोग को जो कोर्स शेड्यूल दिया था जो कैसे 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 करेंगे हम सुहा uh, सुनिधि आपका कंटेंट अच्छा है योर कंटेंट इज गुड वो खाली डायग्राम वाला डर डर लग गया मेरे को एंगर वाला देखा नहीं तुम्हारा हाँ नहीं ओवरऑल देखा मैंने ना अलग से भेजो क्या फिर से तुम भेजो दोबारा भेजो मैं अकाउंट चेक ट्वेंटी स्क्रिप्ट हाँ हाँ तुम्हारा देखा विक्रम तो पे मैंने जो कोर्स शेड्यूल आप लोगों को भेजा था आप लोग अगर उसको नोटिस करोगे तो आप बोलोगे सर आपने बोला था ऐसे पढ़ाएंगे और पढ़ा रहे हैं उल्टा पुल्टा जो मन हो रहा है वो किए जा रहे हैं आप एक्चुअली मैंने पहले सोचा था वही उसी तरह से करूंगा मुझे लगा वो ज्यादा ठीक है लेकिन मैंने बाद में ये सोचा कि क्यों ना हम उस चीज को पहले टारगेट कर ले क्योंकि आप लोग के मन में फियर है यू होल्ड द फियर ऑफ राइटिंग आंसर ठीक है डर है आपके मन में तो मैं नॉर्मल क्वेश्चन लूंगा तब भी वही डर रहेगा और मैं सबसे खतरनाक क्वेश्चन लूंगा तब भी वो डर बराबर ही रहेगा तो क्यों ना उसी क्वेश्चन को पकड़ा जाए जिसमें कि एक्चुअल में दिक्कत होता है इसीलिए जितना भी टाइम मैंने डेडिकेट किया मैंने वो सब खतरनाक क्वेश्चन पे किया अब ये सब क्वेश्चन को आप इतना बढ़िया से एल एच एस वेलएचएस कर ले रहे हो मेरे को बड़ी खुशी हो रही है यार बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को क्योंकि मैंने बोला हाँ ये दिस इज ए बेटर वे दिस इज ए बेटर वे कि हम उस तरह से कर सकते हैं तो मैंने उसको नहीं फॉलो किया इसीलिए मैंने बोला बाहर में जाए वो शेड्यूल कोई दिक्कत नहीं है ऐसा काम करते हैं जिससे का आउटपुट निकले जाता वो मेरे दिमाग में बाद में आया लेकिन इट इज पेइंग ऑफ यू गाइज आर राइटिंग वेल ठीक है तो आज कुछ कुछ और चीज में बताऊंगा आपको छोटी छोटी चीजें लिख तो लोगे मेरे को पता है ठीक है अभी मैंने पूरा एनालाइज किया सिर्फ छह वेराइटी क्वेश्चन अगर आपको करा दूंगा और ओनली सिक्स वेराइटी क्वेश्चन <coughs> वेराइटी बोल रहा हूं नंबर नहीं तो अब पूरा एथिक्स खत्म ओनली इफ आई विल डिस्कस ओनली सिक्स वेराइटी ऑफ क्वेश्चन एथिक्स पूरा खत्म दैट्स द ट्रूथ कोई क्वेश्चन आएगा उसी कॉन्टेंट यूज करके आप आंसर लिख दोगे ठीक है लेकिन फिर भी हम लोग कुछ कुछ चीज छोटी छोटी चीजें हैं वो सबको हम करेंगे तो मैंने कुछ आज लाया है निकाला है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही निकाला है ताकि हम वो चीज बता पाए ना जो चीज की आमतौर पे बच्चे छोड़ देते हैं मैं भी छोड़ देता था जब एग्जाम देता था तो तो ऑफ कोर्स कहा गया रुक जाओ देखते हैं देखते हैं प्रत्येक रुक जाओ देखा तो तेरा अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखा तो था मैंने ये तो बोला ही तो मैंने बोला ही तो था इट्स इट इज गुड इट इज गुड अच्छा लिखा है तुमने ठीक है अंडरलाइन भी कर रहे हो तुम ये भी एक ठीक है अंडरलाइन भी सही सही चीज को कर रहे हो पहले जो पूरा अंडरलाइन कर रहे थे वो नहीं कर रहे हो आप सही सही चीज को अंडरलाइन कर रहे हो इट्स गुड आज एक बच्चे ने मैसेज करा आप ही लोगों में से एथिक्स वाले में से कि सर क्यों ना मतलब जो और जितने सब्जेक्ट हैं पेपर वन पेपर टू पेपर थ्री सबका ऐसा टाइप ही क्यों ना कर दो आप कि ताकि एकदम पूरा ही पकड़ बन जाए हम बोले हाँ अब मेरे को यही काम बच गया है ठीक है ऐसे ही कोचिंग वाले कंफ्यूज होते हैं अदर पीपल आस्क मी कि सर आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन पढ़ाते हो तो पॉलिटी पढ़ाओगे हम बोले यार पॉलिटी मेरे को बड़ा आसान टाइप लगता है उसमें कुछ है नहीं ऐसा फील नहीं आता है इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तो लोग को कम्बिनेशन नहीं समझ में आता हमारा कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता है जीएस में एथिक्स पढ़ाता है इकोनॉमिक्स पढ़ाता है इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल साइंस से दूर दूर तक लेना देना नहीं है अब मैं हिस्ट्री जोग्राफी सोसाइटी सब करने लगे तो हो गया ठीक है चलो आप लोगों ने बहुत इंप्रूव किया मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा ठीक है आप लोगों मन फेंक देगा फिर ओके okay? अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोग उसको सोचेंगे ठीक है देन हम उसको सॉल्व करेंगे मतलब सॉरी हम कल का क्वेश्चन के बारे में थोड़ा पहले बात करेंगे एक चीज मुझे बताना था इसीलिए मैंने दो वैरायटी क्वेश्चन दिया था रुक जाओ कहा गया भाई का ही खोल लेते हैं क्वेश्चन है व्हाट इज परसुएशन ठीक है ठीक है ब्रीफली हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ परसुएशन ब्रीफली हाईलाइट द इंपोर्टेंस ऑफ परसुएशन फॉर सिविल सर्वेंस ठीक है आंसर सीधी बात है वॉट इज परसुएशन नंबर वन एल एच एस कर रहा हूं मैं परसुएशन क्या है डायरेक्ट लिखो ठीक है दूसरा चीज लिखना है अगर आप तो थोड़ा सा जो एक पैराग्राफ लिखा आपने दूसरा पैराग्राफ में पाए तो आप बोलना परसुएशन का मेथड्स क्या है ज्यादा अगर लिखना है तो इसी को थोड़ा इलेबरेट कर दिए क्योंकि डेढ़ सौ वर्ड लिखना है कितना लिखोगे थर्ड ओके ब्रीफली हाईलाइट परसुएशन फॉर सिविल सर्वेंट सिविल सर्वेंट के लिए हमने बताया फाइव <coughs> पी बताया था चार बच्चों ने यूज भी किया है गुड इप पी में क्या बताया था पीपल पॉलिसी पॉलिटिशियन और क्या था यार मैं तो खुद ही भूल गया हूं पीपल पॉलिसी पॉलिटिशियन और क्या था हा? पर्सनल ये था शायद एक और कुछ छूट रहे तो बताओ जरा मेरे को समवन टेल मी पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिशियन इसी को पॉलिटिक्स कर लो और क्या था यार हां खुद का प्रोफेशनल देखो मैं एक और चीज बताता हूं इसमें यह वाला तो टेक्निक बताया धराक से लगाओ इसको पांच मिनट के अंदर लिख सकते हो पीपल नॉर्मल पीपल के लिए तो आप काम कर रहे हो एडमिनिस्ट्रेटर हो भैया पॉलिसी मेकिंग में और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन दोनों ही लिख देना ठीक <laughs> है पॉलिटिक्स uh, की परसुएट करना पड़ता है उनको भी देर पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल में कि अपना प्रोफेशनल एफिशिएंसी बरकरार रहता है अब ये वाला चीज मोक्स आदमी मैक्सिमम लोगों ने नहीं लिखा <laughs> आओ यहां पे सिविल सर्वेंट है ठीक है यार देखो एक सिविल सर्वेंट है तो उसका पर्सनल लाइफ भी है और प्रोफेशनल लाइफ भी है ठीक है और ये वर्क लाइफ बैलेंस जिसको नहीं बोलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर वर्क में बहुत एफिशिएंट है और आपका परिवार ठीक नहीं चल रहा है आपका हस्बैंड हो या वाइफ हो उनके साथ संबंध ठीक नहीं चल रहा है घर मां बाप के साथ नहीं चल रहा है ठीक तो आपका फिर लाइफ का कोई मतलब नहीं बनता बकवास है आप एफिशिएंट उतना रह भी नहीं पाओगे संभवता ठीक है फैमिली बिखर जाएगा आपका सिर्फ प्रोफेशन रह जाएगा तो अगर आपको कंप्लीट लाइफ जीना है आमतौर को पे जिसको कंप्लीट लाइफ कहते हैं तो उसमें आपको यह भी एक एंगल आप याद रखना मैं इसको बता रहा हूं कि यह भी एक लिखना जहां पे कि यूज करके आप वर्क लाइफ बैलेंस करोगे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको मत भूलना और एग्जाम में 99.9 परसेंट आदमी नहीं लिखेगा ये ये भी जान लेना ओके तो पर्सनल चीज को आप लेके आ सकते हो यहां पे आप चाहो तो फिट कर सकते हो याद रखना तो ये एक मैंने आपको थंबडूल बताया सब चीज लगभग लगभग सब लिख देगा जैसे ही ये लिखोगे ना तो लगेगा यार गहरा सोचता है गहरा गहरा सोचने वाले को नंबर ये है ठीक है चलो ये क्वेश्चन हो गया दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं कहा क्वेश्चन लंबा था देखो इस तरह से ना यूपीएससी ना आजकल लंबे 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 क्वेश्चन पूछने घबराना मत जितना लंबा उतना तुच्चा लिखता है कि एंगर is a harmful emotion <clears throat> देखो मैं इसका कैटेगराइजेशन बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं इस तरह आएगा का आएगा ही आएगा क्वेश्चन ये आएगा वो नहीं कह रहा मैं इस टाइप का लंबे लंबे क्वेश्चन तोड़ना कैसे वो बता देता हूं अंदर लिख लोगे और हां एक चीज और इसमें अगर एग्जांपल नहीं है चार पॉइंट है पांच पॉइंट है एग्जाम्पल नहीं है तो नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे गिव एग्जाम्पल गिव एग्जाम्पल ठीक है परसुएशन का एग्जाम्पल ये कोई भी एग्जाम्पल चाहिए वो सब एग्जाम्पल होना चाहिए आपके पास एग्जाम्पल देते रहना एक एक, एक 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 करके बस नंबर कितना आएगा पता है अगर यही क्वेश्चन आता और जिस तरह से बता रहा हूं इस तरह से अगर लिख दोगे ना 60% परसेंट से कम नंबर नहीं आएगा याद रखो it is injurious to both both personal and professional life life Discuss how it leads to negative emotion. Discuss how it leads to negative emotions and Kalikti Obe.

एंड कंट्रोल्ड रुक जाओ मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूं दूसरा स्क्रिप्ट से अनडिजायरेबल है हम अनडिजायरेबल वही तो लगा मेरे को ये यूपीएससी का क्वेश्चन है देखो अब इसका देने का पर्पस क्या था मेरा थैंक यू देखो यहां से यहां तक देखो इस जगह से इस जगह तक क्या बोल रहा है एंगर इज अ हार्मफुल इमोशन इट इज इंजीरियस टू बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ डिस्कस उ इट लीड्स टू निगेटिव इमोशन एंड अनडिजाइरेबल बिहेवियर बोथ टाइम यूपीएससी ना एक स्टेटमेंट लिख देता है क्वेश्चन उसके बाद स्टार्ट होता है वह स्टेटमेंट कोटेशन में भी नहीं है कि आपको उसका कुछ मीनिंग निकालो ठीक है फिर सेकेंड थर्ड फोर्थ पार्ट भी होगा कभी ऐसा ब्लेंडर नहीं करना जो स्टेटमेंट आज में ऐसा एक क्वेश्चन और दे दूंगा आपको और क्लैरिटी आ जाएगा कब भी ऐसा मत करना है? इसको तो एकदम एक्सप्लेन करना मांगता ही मांगता है ठीक है ओके तो इस क्वेश्चन में क्या है दो पार्ट है एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है है कि नहीं है तो हम इसको कैसे लिखेंगे एलएचएस लिख देते हैं आप लोग खुद जान लोगे देखो हम कैसे लिख रहे हैं सोचो हार्मफुल इमोशन नंबर वन वॉट इज एंगर्स लिख दे एंगर इज अ टेम्पररी सिचुएशन व्हेन पीपल्स जो भी है समथिंग एनीथिंग यू कैन राइट हमको कोई दिक्कत नहीं है इसका कोई ये नहीं दूसरा दूसरा हाउ आप एक चीज चाहो तो एक और कर सकते हो यहां पे नहीं डायरेक्ट लिखो How it impact personal life. Third, how it impact professional life. Ticket. Fourth. उाइल हाउ टू कंट्रोल इट ठीक है पर्सनल लाइफ में दो चीजें एक आपका रिलेशनशिप ठीक है और एक आपका हेल्थ गुस्सा रहेंगे तो आपका हेल्थ भी उतना वो नहीं रहता है कुछ बीपीसीपी फलाना ढकाना ये सब लिखा भी है जैसे ममता ने भी लिखा है बीपी हाई ठीक है तो ये दो चीज ठीक हमने क्या किया कुछ ही नहीं किया इसको तोड़ तोड़ दिया खत्म आंसर खत्म कितना इजी है यूपीएससी का क्वेश्चन है कितना बड़ा लंबा चौड़ा वो लोग इतना बड़ा भी हो सकता है क्वेश्चन एक बोर्ड कुछ क्वेश्चन ऐसे है हैं जिसको लिखूंगा तो बोर्ड ही बढ़ जाएगा कोई मतलब नहीं है यूं ही बड़ा क्वेश्चन लिखते हैं वो पॉलिटिक के सेक्शन में भी लंबा लंबा क्वेश्चन आप देखोगे लिखने दे भाई वो यूपीएससी लेट देम डू वट एवर दे आर डूइंग वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट वी आर इंटरेस्टेड इन द सब्सटेंटिव पार्ट ओनली सब्सटेंटिव पार्ट क्या है कि बस ये तोड़ दिया कि एंगर बोला हार्मफुल इमोशन है तो हमने स्टार्ट कहीं करना ही है तो व्हाट इज एंगर हमने डिफाइन कर दिया हमने बोला डेफिनेशनल वे बोला कि इंजरियस है पर्सनल प्रोफेशनल को डिस्कस करो कैसे ये नेगेटिव इमोशन अनडिजायरेबल बिहेवियर निकालता है तो पर्सनल लाइफ में कैसे इंपैक्ट कर दिया प्रोफेशनल लाइफ में कैसे इंपैक्ट कर दिया कंट्रोल कैसे कर देंगे प्रोफेशनल लाइफ में जितना पॉइंट लिखने लिख दो एफिशिएंसी खराब कर देगा बैड बिहेवियर इज दैट ठीक है टॉक्सिक आप इन्वायरमेंट बना दोगे ठीक है एपैथी टाइप डेवलप हो जाएगा ठीक है एंगर रहेगा तो ऑब्जेक्टिव आदमी नहीं रह सकता है सब लिख दे क्या है खत्म हाउ इट विल बी कंट्रोल्ड मैनेज एंड कंट्रोल है ना ढरिंग दे दिया मैनेज एंड कंट्रोल चाहे योगा करके मैनेज कंट्रोल करो या आ, आप साइकेट्री वाले जो हैं साइकोलॉजिस्ट लोग जो हैं उनसे ट्रीटमेंट लो वो एक तरीका है ठीक है आ, फिजिकल एक्सरसाइज करो वो एक तरीका है ठीक है इस तरह का जो भी तरीका है ना वो तरीका सब यहाँ पे मेंशन करते हैं न, एंगर को कैसे कंट्रोल कर रहे? मेरे को बहुत गुस्सा है क्या करूंगा अगर मेरे को बहुत गुस्सा आता है क्या करूंगा वो मतलब तो दिमाग का खेल है ना तो मतलब दिमाग को कंट्रोल में करना है कैसे कंट्रोल करेंगे कुछ सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन लाएंगे लाइफ में कुछ सॉर्ट sort ऑफ of हम जो हमको नहीं पता है तो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो हमको बताएगा कैसे ऐसे है कुछ मेडिटेशन योगा करेंगे जिससे कि हमारा कंट्रोल हो वो सब लिखना है खत्म वेरी इजी कीप इट सिंपल मोर सिंपल योर आंसर इज बेटर मार्क्स यू आर गोइंग टू गेट मोर कॉम्प्लेक्स योर आंसर इज लेसर मार्क योर गोना सिक्योर समझ गए कुछ नहीं था तोड़ दिया तोड़ने वाला ही काम है अंदर तो लिख लो कि मेरे को भी पता है यही जो तोड़ दिया ना तो आप अगर आपने जान लो ये क्वेश्चन को अच्छे से तोड़ दिया कोई भी क्वेश्चन को एक बात तो श्योर है अच्छे से तोड़ दिया और जितना हमने एग्जाम्पल कॉन्टेंट बता दिया 110 नंबर से कम नहीं आएगा अगर पूरा अटेम्प्ट कर दिया तो अब जो है कि 110 से 160 के बीच का गैप तो बहुत होता है पचास नंबर का तो वहां तक कैसे पहुंचे तो वहां तक आपका कला है ठीक है और 110 बहुत ज्यादा रेस्पेक्टेबल नंबर होता है ये ध्यान रखिएगा बहुत कम लोगों को आता है और

मैं खुद भी आंसर लिखूं तो मैं ये नहीं कह सकता आई कैन स्कोर ठीक है वो इधर का कहानी होता है हाथों का कहानी है ठीक है तो वो नहीं कर सकते हम लोग लेकिन हाँ ताकत से कितना नंबर लाया जा सकता है तो एक नंबर, मतलब 50 ताकत से लाया जा सकता है टैलेंट से लाया जा सकता है उसके बियॉन्ड कभी कभी लिख जाते हैं अपन कुछ जबरदस्त ठीक है वो वाली बात है लेकिन हमारा अगर 125 नंबर आ रहा है तो 125 नंबर कितने बच्चे को आता है पता है मुश्किल से 20-30 मुश्किल से तीस बच्चे को आता होगा बहुत ज्यादा तो चालीस बच्चे को आता होगा एक सौ पच्चीस नंबर उससे ज्यादा को नहीं आता है ठीक है उतना ले आ पाएंगे आप एक सौ दस तो यही है यह जान लो और थोड़ा लिखते लिखते और थोड़ा बहुत ही जाओ एग्जाम्पल इधर उधर से ही लोगे राइट चलो आइए अब एटीट्यूड एप्टीट्यूड ही पर रहे तो a question called attitude attitude is an important component important component that goes as input as input in the development of human being how to build to build a Suitable attitude Attitude Suitable Attitude needed needed for a public servant. Chalo. हाँ इमोशनल इंटेलिजेंस से लिंक कर सकते हैं किसी चीज को किसी चीज से लिंक कर सकते हो बस एग्जाम्पल दे देना सोचो दो मिनट सोचो सोचो एलएचएस कर लो दो मिनट दो मिनट भी नहीं लगना चाहिए बीस सेकंड में एल एच एस कर लोगे चलिए सोच तो लिया होगा अब मुझे कुछ तुम लोग आइडिया दो किस चीज का आइडिया दोगे यह भी बताता हूं यह जो सेगमेंट है हाउ टू बिल्ड अ सुटेबल एटीट्यूड नीडेड फॉर पब्लिक सर्वेंट कुछ पॉइंट हमको बताओ टेल मी सम पॉइंट इधर लिख सकते हो तुम लोग टेल मी सम पॉइंट ये वाले में क्या पॉइंट्स लिखोगे लिखना कैसे हो तो बताता हूं मैं डोंट वरी क्या पॉइंट्स लिखोगे इसमें वो तुम बताओ इस वाला सेक्शन में मुझे कुछ पॉइंट्स बताओ तुम लोग बस मैंने कहा अरे भाई प्रत्युष इस तरह से खतरनाक मत सोचा करो इतना कैसे थियरिटिकल तुम बन रहे हो यार इंटोलॉजी डिओंटोलॉजी लिख रहे हो समझो ग्रेविटी तुम जिस चीज के बारे में बात करो कितना हैवी चीज है पूरा बेस्ड फिलोसफी उसपे बेस्ड है और कुछ बोलना हो तुम लोग को तो बोलो bolo bolo i have all the time in the world so bolo think और कुछ में मन है बोलो बोलो जितना मन का बात बोलना बोलो हम तो वेट कर रहे हैं बोलो अभी रखो अमन उसको मारे यही दिक्कत है इसीलिए नंबर नहीं आता पूछ रहा है आम बोल्ड इमली कुछ कुछ बच्चों ने कुछ कुछ पॉइंट ठीक बोला है क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा आपको यूपीएससी का क्वेश्चन है ये मेरा नहीं है देखने में आसान लग रहा है ना कुछ कुछ लोग साइलेंट एकदम बोलेंगे ही नहीं सर जज कर लेंगे अबे सर से जज हो जाओ सर से चार गाली खा लोगे तो क्या होगा वहां पे जब फेल करोगे तो रोगे जीवन बोझ लगेगा लगेगा कि पैसे खर्च हो गए टाइम खर्च हो गया एस्पिरेशन मर गया हमसे क्या है पढ़ाने का मन नहीं कर रहा यार इतना टाइम दिया बोला पढ़ लेना बेटा सब अच्छे से पढ़ लेना पढ़ लिया रट लिया समझ में आया है नहीं कुछ सबका तो कमेंट शो कर रहा है एटीट्यूड क्या है ये तो कैब कंपोनेंट कोई बोल रहा सी ए बी अरे भैया ये तीनों चीज मिलके बनता है एटीट्यूड कहानी इसका है तो इधर 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 का है बात कर रहे ला है। इस चीज पे ध्यान दो ना इस चीज पे कि यहां पे अगर एक मान लो ब्यूरोक्रेट है यहां पे सिविल सर्वेंट है जब वो देखेगा कोई चीज को सोसाइटी को देखेगा सोसाइटी में पॉवर्टी है सोसाइटी में अंबानी है सोसाइटी में डिप्राइव्ड uh, भी है सोसाइटी में कास्ट डिवाइड है सोसाइटी में हमारा टाइप uh, प्रॉब्लम है सोसाइटी में हमारा डाइवर्सिटी है पचहत्तर चीज है ये समाज कॉम्प्लेक्स है इस आदमी को इसके प्रति कैसा क्या होना पड़ेगा वो सोचना पड़ेगा ना आप लोग सब बता रहे हैं कि इसके प्रति होना क्या चाहिए कंपैशन होना चाहिए एम्पथी होना चाहिए इंपार्सिलिटी होना चाहिए अरे होना क्या चाहिए पूछ कहां रहा है भाई है हाउ पूछ रहा है हाउ 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 टू बिल्ड सुटेबल एटीट्यूड तरीका क्या होगा बिल्ड करने का एटीट्यूड तुम कैसा एटीट्यूड होगा उसके बारे में बात कर रहे हो पैशन होना चाहिए वैसे एटीट्यूड होना चाहिए ठीक है एम्पैथी होना चाहिए होना चाहिए ठीक है इंपार्शलिटी होना चाहिए ठीक है लेकिन कैसे होगा वो चीज वो पूछ रहा है वो और लिख रहे हो तुम कुछ और अगर सर सब लिख दिया आपने तो पढ़ाया एकदम मस्त सब एकदम सब वही से आ गया सर लिख के क्या जीरो जीरो नंबर देगा तेरे को सिंपल है यार कि सूटेबल एटीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं सुटेबल एटीट्यूड क्या होगा उसके लिए किस तरह का एटीट्यूड एक डेमोक्रेटिक एटीट्यूड हमने पढ़ाया है एटीट्यूड चाहिए तो उसमें चाहे जो भी आ जाए हमको क्या लेना देना है दूसरा चीज अच्छा इंसान होने के लिए एक मॉरल एटीट्यूड आ जाए उसमें जो भी होना हो जाएगा क्या दिक्कत है हमको क्या दिक्कत है जितने भी वर्ड है अम्पेशन, कंपेशन इम्पार्शलिटी न्यूट्रलिटी, ऑब्जेक्टिविटी इंटीग्रिटी सब इसी में आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन सवाल पूछ रहा है कि आएगा कैसे कैसे बोले जा रहे हो तुम ये चीज हमको हमको इसमें कहां है दिलचस्पी हमको इसमें है दिलचस्पी क्योंकि यूपीएससी ये पूछ रहा है रीड द क्वेश्चन केयरफुली हमने इस क्वेश्चन को जानबूझ के दिया मेरे को हंड्रेड परसेंट श्योरिटी था कि मैक्सिमम लोग आगे पीछे करेंगे आप लोगों ने कुछ कुछ पॉइंट सही भी बोला है मैं ये मना नहीं कर रहा हूं मना बिल्कुल नहीं, नहीं कर रहा हूं लेकिन समझो तो सही इतना आसान क्वेश्चन है लिख एकदम खुशी हो जाते एकदम लिख देते हैं लिख दिया हमने ये 99.9 परसेंट बच्चे यही करते हैं ऐसा करोगे निपट जाओगे हाउ पूछ रहा है बेटा कैसे होगा तो हमें डिजायरेबल एटीट्यूड एक सिविल सर्वेंट में क्या चाहिए सिविल सर्वेंट का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेटिक एटीट्यूड चाहिए इंसान है तो मॉरल एटीट्यूड चाहिए इसके अंदर एक दो पॉइंट है तो ठीक है हमें हाउ पे ध्यान देना है हाउ ठीक है हाउ कैसे हम वो सब चीज उनमें विकसित करें सिविल सर्वेंट कुछ कुछ लोगों ने बोला सोशलाइजेशन एडुकेशन प्रोसेस अरे भाई सिविल सर्वेंट है वो वहां से बात करो क्लास थ्री से मत स्टार्ट कर दो तब सबसे पहले तो नंबर वन है कि आपको ट्रेनिंग ही तो है ना ट्रेनिंग है सबसे पहले ट्रेन करो उसको वैसा ट्रेनिंग दो जो कि यह हो दो तरह के ट्रेनिंग होते हैं कि इंडक्शन ट्रेनिंग होता है, है जहां लवासना जाएंगे आप जो ड्रीम है आपका ठीक है दूसरा चीज होता है ऑन फील्ड ट्रेनिंग जो प्रोवेशन में रहते हैं आप और तीसरा एक तो और तरह का ट्रेनिंग शुरू हो गया है मतलब कहने का ठीक है जिसको क्या आप कहेंगे कि न, क्या कहेंगे नाम उसका जो भी हो आप एक नाम यूज कर लीजिए मिड सर्विस ट्रेनिंग ठीक है पहले तो उसको बताओ ट्रेन करो उस तरह से होन करने कोशिश करो जो कि डेमोक्रेटिक और मॉडल एटीट्यूड उसमें आए ठीक है ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है ठीक है फिर एक सिस्टम रखो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का सिस्टम रखो रिवोर्ट कर उसको जो अच्छा काम करता है पनिश कर उसको जो चोर है और क्या हो सकता है कैसे एटीट्यूड चेंज करें हम उनका ठीक है जो पर्टिकुलरली पॉलिसी मेकर्स है उसको जाके ग्राउंड रेवल लेवल रियलिटी चेक कराओ मतलब उसको जो बोलते हैं ना आम चेयर पॉलिसी से हटाओ आम चेयर पॉलिसी मतलब क्या होता है पता है पॉलिसी अपन लिख देते हैं दांतेवाड़ा में कैसा रोड बनेगा क्या बनेगा ट्रैवल के लिए क्या होगा वो लिख देते हैं बिना वहां पहुंचे हुए बुक से पढ़ के रिपोर्ट से पढ़ के अरे पढ़ के कुछ समझाएगा आज तक कोई एक्सपीरियंस करने समझ में आता है ऊपर से गिर जाओगे पैर टूट जाएगा तो आपको दर्द होगा हाथ टूट जाएगा तो दर्द होगा पढ़ा है आपने हर जगह लेकिन दर्द महसूस कराए क्या कभी जब होगा तो दर्द महसूस करोगे इफिल टावर इमेज भी बोलते हैं इसको ठीक है उस तरह का कुछ करो पॉलिसी मेकिंग लेवल पे और क्या कर सकते हो एक परफॉर्मेंस मैट्रिक्स बनाओ नया मैट्रिक्स। जिसमें कि जो सिविल सर्विसेस वैल्यूज जो है उसके आधार पर जज करो कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स इसको बहुत क्लैरिटी लाओ उसको लागू करो मिड सर्विस ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है ठीक है समझ रहे हैं आप कि पंद्रह साल हो गया फिर ये विदेश विदेश भी घूमने जाते हैं वो लोग सब देख के आते हैं इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं और भी एक चीज सोशल ऑडिट कराओ कराओ सोशल ऑडिट से क्या होगा अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म बढ़ेगा चोरी कम होगा चांसेस से ज्यादा है भाई ये सब चीज है इस सब से कर सकते हो तुम दो चार पॉइंट तो हो गया तीन तीन छ पॉइंट हो गया रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट में आएगा वो सोशल रिकोग्निशन क्रिटिसिज्म कि रिवॉर्ड उसको करो पनिश उसको करो रिवॉर्ड करो उसको ये है तो बोले जा रहे हैं कुछ से कुछ कुछ से कुछ अरे भाई पूछा जो गया वो बोलो ना तुम लोग क्वेश्चन सही से समझे ही नहीं इसका मतलब ध्यान से पढ़ने का क्वेश्चन इतना आसान क्वेश्चन है लेकिन नहीं कर पाए क्यों नहीं कर पाए इसीलिए नहीं कर पाए चलो अब देखो और एक किस क्वेश्चन में छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत मैसेज देता है लिखता है एटीट्यूड इज एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट दैट गोज इसको मैं मिटा देता हूं ठीक है ये बेकार चीज है कोई खास नहीं है यहां पे मैं थोड़ा कुछ कुछ काम का चीज लिख सकता हूं एटीट्यूड इज एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट दैट गोज एज एन इनपुट इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग ठीक है एक ऐसे ही लाइन लिख दिया है ना हम इसको नहीं भी डिफाइन करेंगे तो चलेगा लेकिन हमने क्या बोला वही है ट्रिक वहां कुछ बोला नहीं यूपीएससी जी क्या करो नहीं करो लेकिन ये वाला जो चीज है यहां से लेके यहां तक का ठीक है ये पूरा इसको हमें एक्सप्लेन करना है यूपीएससी ने बोला कुछ नहीं है इसको बोलते हैं एक बोलते हैं ना एक्सप्लिसिट और एक होता है इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट मतलब सेकेंड पार्ट कि एक्सप्लिसिटली पूछ रहा है आप और ये इसमें कुछ पूछा नहीं है उसने एक ऐसे ही कमेंट में कर दिया है वो होता है इम्प्लिसिट कि बेटा हम पूछे नहीं इस पर चर्चा लेकिन करो समझे तो हम ये वाला जो सेक्शन है उसको कर देंगे तो हम एल एच एस करेंगे अगर हम तो क्या करेंगे एटीट्यूड कर दो व्हाट इज

यहां पे एक दो एग्जांपल दे देना कि चैंपियन कोई रिजेक्शन होने के बाद कोई बहुत चैंपियन बन गया समथिंग लाइक दैट परसिवरेंस दिखा देना कहीं पे किसी कर गया चैंपियन बन गया सच काइंड ऑफ थिंग दे देना थर्ड हां अब यहां पर देखो हाउ टू बिल्ड अ सुटेबल एटीट्यूड बोल रहा है। लेकिन अगर आप सुटेबल एटीट्यूड है क्या वो लिखोगे ही नहीं ये सिर्फ लिख दोगे तब भी जी उसको लगे यार यार इसको पता ही नहीं है कि सूटेबल एटीट्यूड ब्यूरोक्रेट का होता क्या है मतलब सिविल सर्वेंट का लिख दिया इसने आंसर तो रटा है इसको मास्टर साहब ने कुछ लिखाया होगा वो चिपका दिस नहीं गधा नहीं बनना है यहां पे जो थर्ड पैराग्राफ होगा यहां पे लिखना है कि व्हाट इज दूटेबल एटीट्यूड ऑफ सी जो क्या है एक डेमोक्रेटिक एटीट्यूड और एक मॉरल एटीट्यूड और इसमें लिख देना एग्जाम्पल जो आप इतना देर से पचास कमेंट आपने लगाया है ना वही डाल देना बन जाएगा काम और लाइट ठीक है अब फोर्थ में आएंगे तब बोलेंगे हाउ टू बिल्ड हाउ टू बिल्ड सच एटीट्यूड मैंने सोचा था पहले ना ये आपको होमवर्क में दूंगा मैंने लिखा हुआ अब यहां पे एच डब्ल्यू करके होमवर्क में देंगे फिर बाद में सोचा नहीं इसको बात करेंगे हमको पता था करोगे आप गंडगोल कर दो तो इस से क्या इस क्वेश्चन में क्या मैसेज मिला कि कभी कभी ये यूपीएससी एक्सप्लिसिट पार्ट और इम्प्लिसिट पार्ट होता है जो इम्प्लीट पार्ट है नहीं पूछा है उसको भी लिख हमने एक्सप्लेन किया उसके बाद हमने जो पूछा है उसको डायरेक्टली डायरेक्टली आंसर दिया अब इसमें बोला हाउ टू बिल्ड अ एटीट्यूड नीटेट्य क्वेश्चन तो है कि एटीट्यूड कैसे बिल्ड करेंगे लेकिन जब तक वो सुटेबल एटीट्यूड है क्या पूछा नहीं है वो लेकिन हमें वहां लिखना पड़ेगा ये नहीं लिखेंगे तो मानेगा ही नहीं कि आपको आता है इसको जीरो ही देगा आंसर गलत क्योंकि आपने सही जवाब नहीं दिया है बहुत मर्सीफुल होगा जीरो पॉइंट फाइव मार्क्स दे देगा दस में से आया कुछ दिमाग घुसा चलो अब मैं कुछ होमवर्क दूंगा आप लोगों को ठीक है क्वेश्चन लिख रहे ला हूं मैं ये भी प्रीवियस ईयर पेपर है ठीक है आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप प्रीवियस ईयर पेपर को सर्च करके निकाल के उसका आंसर लिख के भेजोगे ठीक है दिमाग लगाना ठीक है मैं ये दे रहा हूं जो भी क्वेश्चन दे रहा हूं उसका एक रीजन है अपना मेरा पर्सनल आप लोग को लास्ट में पता चलेगा ये मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस without compromising the ethical and moral sorry stand stand that you are likely to follow Follow, क्रिटिकली evaluate, evaluate, ठीक है एक और क्वेश्चन दे देता हूं एप्टीट्यूड वाले चैप्टर से है उसे अट, सब एटीट्यूड एप्टीट्यूड इमोशनल इंटेलिजेंस और नीचे का दो चैप्टर ऑल आर सेम सबको मिक्स करके पढ़ रहे हैं ठीक है क्योंकि उससे ना बाय लार्ज वो न, ओनली टेन वेराइटी ऑफ क्वेश्चन कुड बी फॉर्म्ड सीधी बात है सब कर लेंगे सुड इंपार्शलिटी सॉरी इंपार्शल एंड non partition partition be considered considered as indispensable quality qualities qualities to make a successful civil servant, to make a full civil servant, discuss with illustrations. ठीक है दोनों क्वेश्चन लिख लो हो जाए तो बताना क्वेश्चन वन एंड क्वेश्चन टू और कंक्लूजन क्या लिखेंगे पिछला क्वेश्चन में लो क्या क्वेश्चन था क्या था क्वेश्चन लिख देंगे वही चीज कि थ्रू सच मैकेनिज्म सिविल सर्वेंट कुड बी मोल्डेड और वायड into a kind of civil servant which is needed for the democracy of india for 21st century india full stop ना चाहो तो ना भी लिख सकते हो बिना कंक्लूजन का भी आंसर रहता है जरूरी नहीं है ठीक है तो चलिए आज इतना ही रखते हैं कल फिर मुलाकात होगी कल है क्लास परसों है क्लास और फ्राइडे को नहीं है सैटरडे को नहीं है संडे को मेरे को वक्त मिलेगा तो मैं संडे को लेने की कोशिश करूंगा क्योंकि कुछ लोग हैं जो नहीं कर पाते हैं लाइव क्लास तो मैं चाहता हूं कि अगर संडे को मुझे टाइम मिलेगा तो संडे को लूंगा ओके okay? फिर मंडे से चलेगा ओके okay? मंडे से जो है मोस्ट प्रॉबली हम लोग स्टार्ट करेंगे केस स्टडी ठीक है क्योंकि इतना दिन वही जो छह सात टाइप वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है ना वो कवर हो जाएगा मतलब जो हार्ड कोर कॉन्टेंट मिल जाएगा आपको Uh, फिर एल करके कंटेंट चिपका देना हो गया और क्या है चलो मैं एक बार रीड कर देता हूं केस ऑफ क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस इमोशनल इंटेलिजेंस ई आई हेल्प टू ओवरकम द सेम विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एथिकल एंड मॉरल स्टैंड दैट यू आर लाइकली टू फॉलो क्रिटिकली इवेलुएट सुड इम्पार्शियल And non partition be considered as indispensable qualities to make a successful civil servant. Discuss with illustrations. Thank you.